सो है गाइस, मेरा नाम है नीरज परिवार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक पर। तो गाइस, इस बार मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं भी जानता हूँ आपके पास किसी के पास लैपटॉप होता है नहीं होता है, या फिर महंगे वाले वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होते, तो वो भी सोचते हैं कि यार मैं एक अच्छा वीडियो किस तरह एडिट कर सकता हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सा ऐप है जिससे आप विदाउट वाटरमार्क रखे एक बहुत बढ़िया वीडियो एडिट कर सकते हो और उसे यूट्यूब पे भी पब्लिश कर सकते हो। तो गाइस, मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं श्योरिटी बताता हूँ आपको इसके बाद और कोई भी वीडियो एडिटिंग ऐप की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें, और हो सके अगर आपको पसंद आया वीडियो पूरा देखने के बाद तो आप इस YouTube वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोग हैं मेरी तरह जिनको भी मेरी तरह थे जिनको वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में नहीं पता था, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और या अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू। तो चलो चलते हैं मेरे फोन की स्क्रीन पे। वेलकम गाइस। सो अभी हमें जो फ़ोन से वीडियो एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है VN ऐप। ये आपको प्ले स्टोर में आराम से मिल जाएगा। सो सबसे पहले तो हम अपने प्ले स्टोर पे टाइप कर लेते हैं VN ऐप। सो वैसे तो मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो ये रहा VN ऐप। तो मैंने पहले इसको ओपन कर देता हूँ। मैं आपको पूरा वीडियो एडिट करके भी बताऊँगा और साथ में वो वीडियो लास्ट में कैसा दिखता है एडिट होने के बाद, तो वो भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि किस तरह शो होता है। और अगर आपको मेरा वीडियोस देखने ही है जो मैंने ऑलरेडी एडिट करके रखे, तो आप मेरे पिछले 2 से 3 YouTube के वीडियोस देख सकते हो, तो उसमें आपको पूरा प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि किस तरह मैंने प्रॉपरली फुल वीडियो एडिट किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नीचे में एक प्लस का साइन आ रहा है, आपको वो प्लस के साइन पर क्लिक करना है, क्योंकि वहीं से ही हम अपना न्यू प्रोजेक्ट उठाएंगे। तो ये रहा न्यू प्रोजेक्ट का साइन। तो हम क्या करेंगे, सीधा उस पर क्लिक करेंगे और वीडियो, मतलब जो आपने वीडियो ऐसे में बना के रखा है, पहले बना के रखा होगा आपने वीडियो, बाद में उसको एडिट करोगे। तो जैसे मेरे पास एक नीचे का वीडियो है जिसको मैं अभी आपको एडिट करके बताऊंगा, तो श्योरली आपको इसके बाद नहीं देखना पड़ेगा। सो मैंने इसको ले लिया है एडिटिंग के लिए। सो ये रहा। सो देखिए, ये इधर आ चुका है अभी पूरा वीडियो, आपको नीचे पूरी इसकी रील दिख रही होगी जो भी पूरा ये वीडियो है। तो मैं अभी आपको इसमें बताने वाला हूँ कि आप इस वीडियो को, मतलब इस वीडियो में किस तरह बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, साथ ही में एक वीडियो के अंदर एक और वीडियो आप कैसे चला सकते हो, साथ में जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कहते हो, या फिर आप किसी भी अपने वीडियो में कुछ टाइप करके दिखाना चाहते हो, या फिर टाइप लिखा हुआ दिखाना चाहते हो, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। साथ ही में आप इसमें बहुत सारे फिल्टर्स है जिससे आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड इमेजेस भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, जिसमें हम अलग अलग इमेजेस में जा रहे हैं। तो जैसे मैं अभी आप ये वाला इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब मैंने इसको क्लिक कर दिया है, तो मैं आपको, रुको मैं अब दूसरा करता हूँ क्योंकि ज़्यादा बेटर नहीं दिख रहा। तो हाँ, ये वाला वीडियो, ये वाली फ़िल्टर बेटर दिख रहा है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग हम जब वीडियो करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक स्क्रीन बाहर खुल के आती है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो हमारा वीडियो का एकदम स्टार्टिंग है, आपको नीचे जो रील दिख रही है उसमें प्लस का साइन है, उस प्लस के साइन पे आपको क्लिक करना है। तो आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शंस आए हैं, ब्लैक, वाइट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो इसका यूज़ क्या है, जैसे आपने ब्लैक पे किया तो आप देख सकते होंगे कि ये वीडियो कैसे धीरे से एकदम ब्लो अप हो रहा है, और वाइट में करोगे तो वाइट आ रहा है, और वर्टिकल में करोगे तो नीचे से खुल के ऊपर तक आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल में साइड से जा रहा है। तो आप इसका इसमें टाइम ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको धीरे से करना है तो वो धीरे से आपके स्टार्टिंग में आएगा। तो अगर जैसे मैं अब हॉरिजॉन्टल चूज़ कर लेता हूँ, तो मैंने इसको राइट किया, और जब मेरा अब ये वीडियो आएगा, जैसे देखो मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो आपने देखा ये वीडियो किस तरह आया, वो धीरे से एकदम बाहर खुल के आया। सो अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जब हम स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की, तो हमें क्या चाहिए रहता है, वीडियो के पीछे जब हम कुछ बोल रहे होते तो एक बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चाहिए होता है जो हमारे वीडियो को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है, और साथ ही में हमारे वीडियो में जो बैकग्राउंड नॉइज़ आती है जो भी थोड़ी बहुत रहती है, अगर आपका अच्छे से आपने अपना प्लेस को नहीं किया है तो आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी। तो सबसे पहले तो हम उसमें एक जो आपको सबसे स्टार्टिंग पे ऑप्शन दिख रहा है म्यूज़िक का,
सो म्यूज़िक के ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला है म्यूज़िक, दूसरा है इफ़ेक्ट, तीसरा है रिकॉर्ड। तो अब हमको पीछे म्यूज़िक चाहिए तो हम कुछ नहीं करेंगे, म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और हमको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं म्यूज़िक के, तो एक व्लॉग का है, एक पॉप का है, एक डायनामिक का है। तो मैं क्या करूँगा, मैं व्लॉग चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने तो व्लॉग चूज़ किया है। तो मैं आपको इसका म्यूज़िक बता देता हूँ। तो ये मैंने एक म्यूज़िक ऑन किया है, तो मैंने ये चूज़ कर लिया म्यूज़िक। तो आप देख सकते होंगे अभी इसका आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब तो आप इसमें म्यूज़िक कम ज़्यादा भी कर सकते हो। आप इसका वॉल्यूम, मतलब आप अपने मन से इसका वॉल्यूम अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा रख लो, अगर आपको इसका वॉल्यूम कम रखना है तो आप कम रख लो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसका वॉल्यूम कैसे रखना है। सो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप 10 या 9 पे रखो, क्योंकि 9% पे रखो, क्योंकि इसके बाद आपका जो आप जब जो बोलते हो वो बहुत ज़्यादा परफेक्टली आता है। सो मैंने इसको क्लिक कर दिया है, तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया ये पूरा म्यूज़िक का, मतलब वो पूरा म्यूज़िक 2 मिनट का था, सो वो पूरा 2 मिनट तक यहाँ पे आ गया है। तो क्या कर सकते हो, अगर एक म्यूज़िक ख़त्म होता है तो आप इसी को रिपीट कर सकते हो, या फिर से उस पर क्लिक करो। तो अगर जैसे मैंने अभी इसके पहले आपको म्यूज़िक बताया, तो अब आप इसमें इफ़ेक्ट भी डाल सकते हो। सो मैं इफ़ेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो क्या यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं इफ़ेक्ट, एक कार्टून, फर्स्ट वेव, फनी, मशीन। तो आप जैसे अब कार्टून सिलेक्ट कर लेते हैं, और कार्टून के जो इफ़ेक्ट रहते हैं जब बहुत ज़्यादा छोटे रहते हैं। सो मैंने ये चूज़ कर लिया है, तो ये एकदम बहुत छोटा इफ़ेक्ट रहेगा। सो मैं आपको इसको आगे दिखा देता हूँ करके। सो इफ़ेक्ट किस में गए, कार्टून चूज़ किया मैंने, एक ये कार्टून 3 वाला चूज़ कर लिया। तो क्या होगा ना, जैसे ही मैं इसको वीडियो को बनाऊँगा तो आपको वो इफ़ेक्ट का भी साउंड आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको इफ़ेक्ट का भी वॉइस कम ज़्यादा करके दिखा देता हूँ, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, अपने जो नीचे का जो स्क्रीन है उसको बड़ी करनी, जैसे आप कैमरे का जो ये है, आप कैमरे का जूम बड़ा करते हो वैसे ही आपको उसकी स्क्रीन बड़ी करनी है। फिर आप इस पे जाओगे, ठीक है, फिर आप वॉल्यूम पे जाओगे, तो आप इफ़ेक्ट का भी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो इफ़ेक्ट का वॉल्यूम मैं बोल सकता हूँ कि आप 15% पे रखो, क्योंकि इफ़ेक्ट का वॉल्यूम थोड़ा अच्छे से सुनाई देने को ना। तो मैंने इफ़ेक्ट का वॉल्यूम 15% पे रख दिया है। अब क्या होता है ना, अगर आपको ऐसा है कि यार आपको उसका टाइमिंग बड़ा करना है, तो आप कुछ नहीं कर, मतलब आपको इसका टाइमिंग अगर बढ़ाना है तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आपको वो इफ़ेक्ट डिलीट करना है कि आपको नहीं चाहिए, तो आप सॉफ्टली जाके अपने म्यूज़िक पे या फिर वो इफ़ेक्ट पे क्लिक करोगे तो आप आराम से उस म्यूज़िक को भी डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं आपको ये म्यूज़िक का बता देता हूँ, म्यूज़िक पे आपको ऑप्शन दिख रहे थे ऑप्टिमाइज, डिलीट, स्प्लिट, बीस्ट, रिप्लेस। तो आप बहुत सभी ऑप्शन आएंगे, सभी इसमें आते हैं, और म्यूज़िक के भी इसमें ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, डिलीट का दिख रहा है, रिप्लेस का दिख रहा है, वॉल्यूम का दिख रहा है। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए। अब क्या होता है ना, जब आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोलते हो कि प्लीज़ वीडियो ख़त्म होने पे या फिर वीडियो की स्टार्टिंग पे कि मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, तब आप क्या कर सकते हो, आप जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब है वो प्रॉपरली आप लिख के दिखा सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो ये टाइटल का है, अभी आपने म्यूज़िक का किया, उसके नीचे जो टाइटल वाला ऑप्शन आ रहा है बस उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे यहाँ पे, लोकेशन, फेब्रुअरी, मतलब सारे ऑप्शंस है। आप अगर देखो, जैसे मैं अभी लाइन पे कर रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन वाले पे मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो क्या हुआ ना, अब मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे के ऑप्शन को पकड़ के रखना है और उसको ये कर देना बड़ा। तो अब मैं इस पर लिख देता हूँ लाइक, ये जैसे मैंने अभी इस पर लाइक लिख दिया, तो क्या है ना, मैं इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उस ऑप्शंस में मैं इसमें हमारे को तो मेन रहेगा कि हम कलर सिलेक्ट करें। तो जैसे अभी मेरे को रेड चाहिए, तो मैंने लाइक का रेड कलर कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया। तो क्या है ना, जैसे ही मैं उस वीडियो पे आऊँगा, उस मैं जैसे ही लाइक बोलूँगा, तो वो लाइक जो है वो अपने आप इस पर शो हो जाएगा। तो देखो अभी वो देखो आया वो लाइक शो, तो वैसे ही आप इसमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी डाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पे अगर सब्सक्राइब के टाइम पे आए तो आप सब्सक्राइब की बटन पे दबा दो, ठीक है। तो कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके सब्सक्राइब लिख के आप सब्सक्राइब की ऑप्शन पे जा सकते हो। सो ये था, अगर आपको आपके वीडियो के बीच में अगर कोई डेट बतानी है, लाइक करने को बताना है, सब्सक्राइब करने को बताना है, या फिर कोई आप इन्फॉर्मेशन लिख के दे रहे हो, तो वो आप इस टेक्स्ट से कर सकते हो। तो आते हैं थर्ड वर्क पे। थर्ड वर्क रहेगा, अगर आपको आपके वीडियो के बीच में एक इमेज डालनी है, या फिर एक वीडियो डालना है, या फिर आपने रिकॉर्डर से, वीडियो रिकॉर्डर से अपने फ़ोन में ही कुछ रिकॉर्डिंग की है, अगर वो आपको बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो टाइटल के नीचे वाला थर्ड ऑप्शन है,
आपको उस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आपने ऑप्शन पे क्लिक किया तो वहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक वीडियो और फोटोज़ का और एक स्पीकर का। तो मेन तो है वीडियोज़ एंड फोटो का, मैं अभी आपको वीडियोज़ एंड फोटो का बता देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे, एक वीडियो का और एक फ़ोटो का। सो मैंने फ़ोटो के ऑप्शन पे क्लिक किया, क्योंकि मेरे को जैसे आपको किसी प्रोडक्ट का नाम, जैसे आप फ्लिपकार्ट में किसी प्रोडक्ट को बता रहे हो तो आप उस प्रोडक्ट की प्राइस बताओगे, तो आप ऐसा कहोगे कि यार ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे इतने प्राइस में मिल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस फ्लिपकार्ट में जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट आपके फोटो गैलरी में आ जाएगा, तो वहाँ से फ़ोटो से क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, स्क्रीनशॉट की इमेज आपको आपके वीडियो के स्टार्टिंग में दिख जाएगी। तो अभी तो ये ब्लर दिख रहा है, बट जब वीडियो एक्सपोर्ट होके आएगी तो ये ब्लर अपने आप हट जाएगा, तो आपका एक वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। सो आप अपने इसके हिसाब से आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हो, बट आपको टेंशन नहीं लेना है फ़ोटो ब्लर नहीं आती है, क्योंकि मैं अपने सारे वीडियो इसी ऐप से एडिट करता हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो ये तो हो गया, जैसे मैंने आपको एक फ़ोटो दिखा दी, तो वैसे ही आप आगे जाने के बाद जैसे आपको किसी प्रोडक्ट की फ़ोटो दिखानी है, ठीक है, या फिर मैं कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ अगर आपको वो फ़ोटो बीच में दिखानी है। सो जैसे मैं अभी एक मैंने एक ईयरफोन का फ़ोटो ले लिया है, तो मैं क्या करूँगा, इस ईयरफोन को अपने साइज़ के हिसाब से बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं साइड में भी ला सकता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं जैसे चाहूँ वैसे उस इमेज को उसके बीच में ला सकता हूँ। और थर्ड, अगर आपको इसके बीच में कोई वीडियो डालना है, मतलब जैसे आपने आप किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, जैसे मैं अभी इस वीडियो में ओप्पो एनको M31 ईयरफोन ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन की इन्फॉर्मेशन बता रहा था, सो मुझे अगर इस वीडियो में वो जो ओप्पो है वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है अगर मेरे को प्रॉपरली बताना है, तो मैंने उसके लिए भी रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया था, और अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप वो कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्लिक करना है, वीडियो पे जाना है। सो वीडियो पे आपने जो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी है, तो आपको देखो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी थी, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया और मैं अभी उसको बढ़ा दूंगा। आप अपने मन से बढ़ा सकते हो, आप चाहे तो बहुत बड़ा कर दो या फिर चाहे तो एक नॉर्मल साइज़ रखो, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी इसको इतना बड़ा कर दिया है, तो अब क्या होगा, ये जिस टाइम तक ये वीडियो एडिटिंग हुई है, तो उस मतलब जिस टाइम पे आप सिलेक्ट करोगे उस टाइम से उस टाइम तक आप ये प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो। जैसे देखो अभी ये स्टार्ट हुई, अब वो स्क्रॉल होते हुए जाएगी, आप देख रही है, मतलब आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो और साथ ही में उस प्रोडक्ट को आप साइड बाय साइड उसकी इन्फॉर्मेशन आप दिखा भी रहे हो, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसका टाइम पीरियड कम करना है, तो शॉर्टली आप जो यहाँ पे एरो दिख रहे हैं उससे आप उसका साइज़ कम भी कर सकते हो, और चाहे तो आप अपने पूरे वीडियो तक मतलब इसका साइज़ कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो अब तो ये हो गया थर्ड पार्ट, और अब क्या आता है, अगर जैसे आपका वीडियो का बहुत सा ऐसा पार्ट रहता है जिसमें आप वीडियो बनाते बनाते रुक जाते हो और आप भूल जाते हो कि यार मेरे को आगे क्या बोलना है, फिर आप देखते हो फिर से वीडियो बनाते हो, तो उस वो क्या होता है ना, उसके बीच का जो पार्ट रहता है वो भी आपका वीडियो रिकॉर्ड होते रहता है, तो वीडियो में रिकॉर्ड होते रहता है, तो आप उस टाइम को भी आप डिलीट कर सकते हो उस उतने टाइम पीरियड को। तो मैं आपको उसका ऑप्शन बता देता हूँ, वो जो ऑप्शन है वो है फ्रीज का ऑप्शन। तो आप फ्रीज के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो वैसे ही क्या होगा ना, आपने जो प्रोडक्ट मतलब जो टाइमिंग को बीच में फेस किया है, मतलब जो टाइम से आपको जो टाइम कम करना है, तो आप पूरे स्टार्टिंग में वो फ्रीज को दबा दो और जहाँ तक आपको वो प्रोडक्ट को डिलीट करना है, मतलब जहाँ तक आपको वो वीडियो को डिलीट करना है नॉट प्रोडक्ट, तो आप वहाँ तक एक और बार फ्रीज दबाओ, तो क्या होगा ना वो उसके बीच का टाइम, जैसे देखो मैंने इन दो को सिलेक्ट किया तो उसने इन बीच का जो ये टाइमिंग था उसको उस पर क्लिक कर दिया, तो आप सिंपली उस पर क्लिक करके आप उसे डिलीट भी कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो, मतलब आप इसमें तीनों ऑप्शन डुप्लीकेट भी बना सकते हो। तो सिंपली मैं इसे आपके सामने डिलीट कर देता हूँ, तो क्या होगा ना वो डिलीट हो जाएगा। तो क्या होता है कई बार बीच में ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है, तो मैं इसको सिंपली इसको भी आप डिलीट कर दो, या फिर आप अगर न्यू से वीडियो अगर आप किसी न्यू प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो सकता है आपका एक प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपको ऐसा लगे कि यार नहीं मैं एक और न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, बट वो प्रोडक्ट थोड़ा अच्छे से दिखे, मतलब वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से आए, तो आपको उसके लिए सिंपल सा FX पे क्लिक करना है। तो FX पे क्लिक करने के बाद जैसे देखो
मैं दबा रहा हूँ तो क्या होगा, उस टाइमिंग पे वो अपना अपो आप एक अलग ही तरह से दिखना चालू हो। जैसे आप न्यू प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पे आ रहे हो, फिर किसी न्यू टॉपिक पे आ रहे हो, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वो इस तरह से वो टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैंने अभी इसको इस पर बीच में रख दिया है, तो देखो अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ तो वो किस तरह दिखने लगेगा। तो मैंने फिर से FX पे दबा दिया है, तो फिर मैंने जूम इन जटिल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो मैं इस पर ओके कर देता हूँ। सो जैसे ही ये वीडियो आएगा करना बंद कर देगा आपका, ये बंद हो जाएगा। ये देखिए, दिखा आपको कि वो कैसे एकदम से किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन के पहले वो एक फ्लिक्स आ गया, FX आ गया, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको कोई पार्ट डिलीट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे नीचे डिलीट के ऑप्शन पे भी दबा सकते हो, या फिर आपको किसी पार्ट का वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है कि नहीं यार इस पीरियड टाइम पीरियड के इसका मेरे को वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वैसे नीचे बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो पूरा चाहिए तो यार बहुत लंबा होने वाला है कि मैं आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, बट हाँ मैंने जो आपको बेसिक्स बता दिए इसमें आप एक बहुत बढ़िया वीडियो एडिट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और देखिए अब ये आ गया है इसका आगे का। सो गाइज, अगर आप मेरे को पता है, अगर आपने पूरा वीडियो अभी देख लिया है तो मैं कन्फर्म श्योरिटी से बता सकता हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई होंगी, क्योंकि मैं भी सेम इसी वीडियो एडिटिंग ऐप से ही अपने वीडियो एडिट करता हूँ और इसके बाद मुझे और अलग से एडिट नहीं करना पड़ता है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे बहुत मदद मिलती है। अगर हाँ आपको इस वीडियो की फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरी डिटेल में, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आप मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर आपके 10 कमेंट और 50 लाइक्स मेरे को मिलते हैं तो मैं श्योरिटी से इस वीडियो को उसका एक पूरा पार्ट बनाऊंगा, जिसमें कम से कम वो 1.5 आवर का रहेगा, जिसमें मैं आपको फुल डिस्क्राइब करके बताऊंगा। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।